नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। डॉक्टर रामकृष्ण शाह पीएचडी शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और वैकल्पिक चिकित्सा के विश्व प्रसिद्ध विद्वान हैं। ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क यूएसए के प्रतिनिधि भी हैं। ये एशियाई अमेरिकी सलाहकार परिषद के एक सक्रिय परिषद के सदस्य हैं। मानसून मुंबई में बहुत जल्द आने वाला है। बरसात के दिनों में कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसी विषय पर हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण से बरसात के मौसम में क्या क्या उपाय करना चाहिए, सुनिए डॉक्टर रामकृष्ण शाह की बातें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामकृष्ण शाह, यूएन रिप्रेजेंटेटिव, द ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट। आज हम शिकागो से कोरोना वायरस के ऊपर में डिस्कस करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस एक भयावह अभी संसार में देखा पड़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह, हर कंट्री में इसका जो है लोग इससे मरते जा रहा है। संसार भर में अभी तक 55,87,000 लोग इससे संक्रमित है, तो 3,47,000 लोग इससे मर भी गए हैं और 23,00,000 लोग जो है प्रॉपर इलाज से बच भी गया है। तो हमें आज कोरोना वायरस के बारे में कुछ हम जो जानते हैं वो आप लोगों से बताना चाहते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए अब हमारे सार कंट्री में, जितने भी सार कंट्री हैं, देश सब हैं, अब उधर बरसात का सीज़न स्टार्ट हो गया है। बरसात के सीज़न में कोरोना वायरस का फैलने का बहुत चांस होता है, इसीलिए हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलें और हाथ में ग्लोव लगाएं। यदि हाथ में ग्लोव लगा के हम लोग निकलते हैं तो हम कहीं भी किसी चीज़ को छूते भी हैं तो हमारे शरीर में संक्रमण नहीं होता है। और हम लोग जो हाथ से फेस टच करने के लिए भूल जाएं, क्योंकि यदि हम फेस को टच करेंगे, यदि हमारे हाथ कंटामिनेटेड होगा तो नाक, मुंह, कान, आँख से ये रोग जो है, ये कीटाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो इसको हमें ग्लोव लगा के चलें, मास्क लगा के चलें और जब तक हम लोग बाहर हैं तब तक जो है सो फेस को टच नहीं करें, और जब घर में आते हैं तो ग्लोव और मास्क को निकाल दें और हम लोग इससे स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे खान पीन में ऐसा हम लोग खाना खाएं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो। हमारे खाना में जिंजर, गार्लिक, ओनियन, टर्मरिक का मिसावट होना जरूरी है, क्योंकि ये जो है एंटीसेप्टिक ही नहीं, ये हमारे शरीर में एक एंटीबायोटिक के तरह काम करता है। शरीर को जो इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये इस प्रकार का खाना यदि हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ता है और हम लोग जो है कोरोना के संक्रमण से बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस आपत के घड़ी में हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड और कोल्ड फूड प्रयोग ना करें, ताकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि जंक फूड, फास्ट फूड कहाँ बना है, कैसे बना है, कब बना है, इसीलिए हम इससे बचें। और तीसरी बात है कि इस समय हम लोग जो है नशीला पदार्थ सेवन ना करें, क्योंकि ये भी हमारे शरीर के लिए इम्यून सिस्टम कम कर देता है और हम लोग जो है बीमार हो सकते हैं। तो आज हमें विश्वास है कि आप लोग ज़रूर जो हम जानते हैं वो आप लोग को बतलाए हैं, और आप लोग भी अपने गांव के लोग, अपने समाज के लोग, अपने जितने भी सार कंट्री के लोग हैं, ये मैसेज आप रिले कर देंगे, बतला देंगे। धन्यवाद, नमस्ते। मुंबई बॉलीवुड से एक दुखद खबर। मशहूर म्यूजिक कंपोजर भाइयों की जोड़ी साजिद वाजिद खान से वाजिद खान का रविवार देर रात निधन हो गया। वाजिद खान की मौत से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। बॉलीवुड में साजिद वाजिद की जोड़ी ने कई फिल्मों में हिट म्यूजिक दिए हैं।
साजिद वाजिद ने सलमान खान के अधिकतर मूवीज में म्यूजिक दिया है। वाजिद की मौत के बारे में बीएमसी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में साफ तौर से इस बात का उल्लेख किया गया है कि 43 वर्षीय वाजिद खान की मौत की वजह कोरोना वायरस और हार्ट अटैक है। वाजिद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सिर्फ 20 लोगों को इजाजत मिली है। जो करते हैं रक्तदान वही बनते हैं महान। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। नेशनल ह्यूमन राइट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुमित श्रीवास्तव ने बातचीत में बताया कि आपके द्वारा किए रक्तदान से अगर किसी को नवजीवन प्राप्त होता है तो इससे बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है। जो रक्तदान करते हैं वही बनते हैं महान। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ह्यूमन राइट्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुमित श्रीवास्तव ने बातचीत में बताया कि आपके द्वारा किए गए रक्तदान से अगर किसी को नवजीवन की प्राप्ति होती है तो इससे बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है। लखनऊ के शान हेल्थ ग्रुप लगातार रक्तदान के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करती रहती है। ये रक्त भी रक्तदानी के माध्यम से अत्यंत जरूरतमंदों को दिलाती है। इसी सिद्धांत के साथ कानपुर के युवा समाजसेवी 9 बार के रक्तदानी सुमित श्रीवास्तव द्वारा रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कानपुर में किया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुमित श्रीवास्तव एवं टीम को कोऑर्डिनेटर लखनऊ की शान हेल्थ ग्रुप के सहयोग से कानपुर के मोती झील पार्क में ये रक्तदान का कार्य किया गया। टीम लखनऊ के शान हेल्थ ग्रुप एवं नेशनल ह्यूमन राइट कॉन्फेडरेशन के प्रयासों के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त करके शिविर का आयोजन करवाया गया था। ये एक सराहनीय कार्य है। रक्तदान आयोजन के इस शिविर में 16 यूनिट रक्तदान हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। रक्तदानियों में सुमित श्रीवास्तव, अमित सिंह, आनंद अग्रवाल, आनंद शुक्ला, नवीन ओझा, अमित सैनी, प्रणव मिश्रा, अभिषेक श्रीवास्तव, सुदीप श्रीवास्तव, सुमित अग्रवाल, गौरव श्रीवास्तव, निखिल राज, मुदित सलूजा, अंकित गुप्ता, पंडित अनुराग मिश्रा एवं ऋतिक निगम ने रक्तदान किया। रक्तदान के पश्चात रक्तदानियों को जूस भी दिया गया। इस रक्तदान शिविर के लिए विशेष रूप से हैलेट से आई बीसीटी वैन के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर एवं अन्य सभी गाइडलाइंस का समुचित प्रयोग और पालन करते हुए इस शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। हैलेट अस्पताल के ब्लड बैंक से विनोद कमल, उमेश कमल, डॉक्टर संजय, डॉक्टर सोहेब, पीआरओ वसीम सिद्दीकी एवं शैलेंद्र का विशेष सहयोग रहा। ये एक सराहनीय कार्य है। सभी रक्तदाता दानकर्ता को लीड इंडिया टीवी इनके जज्बे को सैल्यूट करती है। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है। oh. और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। प्रतिबंधों में रियायतों के साथ आज से होगी अनलॉक 1 की शुरुआत। राज्य के अंदर और राज्यों के भीतर वाहनों और सामान की आवाजाही को मिलेगी अनुमति। धार्मिक स्थान और शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे। देश के तमाम हिस्सों में आज से चलेंगी 200 विशेष रेलगाड़ियां। यात्रियों को स्टेशन पर पहुंचना होगा 90 मिनट पहले।
यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी। देश में कोरोना से सक्रिय मामलों की संख्या हुई 89,995। इलाज के बाद 86,983 लोग अभी तक हुए स्वस्थ। दुनिया भर में 61,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। मौसम विभाग ने कहा मॉनसून आज पहुंचेगा केरल। अरब सागर में उठ रहा है चक्रवात निसर्ग। बुधवार को महाराष्ट्र गुजरात के तटवर्ती इलाकों में पहुंचने की संभावना। नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया अमेरिका का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन स्पेस एक्स का यान सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा। इस मिशन के साथ ही अमेरिका में कमर्शियल स्पेस ट्रेवल में एक नए युग की शुरुआत। की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद।